काफी सारे लोग हैं जो पूछते हैं अक्सर कि जब कहीं मीटिंग्स में जाओ, किसी से बात करो, किसी इंस्टीट्यूट में सेशन देने के लिए जाओ, या ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में लोग चाय कॉफी पे पूछ लेते हैं मुझसे कि क्या आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, या बोल देते हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट में कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत आध्यात्मिक हैं। तो मैं तो खैर इन सब शब्दों से रिलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी भी एक टैग है, अध्यात्म भी एक लेबल है, और लेबल्स में मैं ना खुद को बांधता हूँ और ना मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है। तो किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं है और ना मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जितना ही बॉडी और माइंड आइडेंटिफिकेशन करता है, जितना लेबल्स बनाता है, उतना फ्रैगमेंटेशन शुरू कर देता है, उतना डिविजन शुरू कर देता है, उतना डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देता है। तो फिर नो लेबल्स फॉर एनीथिंग। ना कलाकार हूँ, ना क्रिएटर हूँ, ना कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना जो भी अभी बात हो रही थी, ना मोटिवेशन स्पीकर हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। अगर कुछ हूँ तो मुझे लगता है शून्य हूँ, जीरो। और बड़े खूबसूरत शब्द मुझे इस समय जाकिर खान साहब के याद आ रहे हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं बहुत बड़े, और उनकी कविता है जो उन्होंने लिखी है, जिसमें वो कहते हैं मैं शून्य पर सवार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत बढ़िया। कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है, मैं बीच रह की मात हूं, बेचान स्याह रात हूं, मैं काली का श्रृंगार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। कहूं राम का सा तेज मैं, लंकापति सा ज्ञान हूं, किसकी करूं आराधना, सबसे जो मैं महान हूं, ब्रह्मांड का मैं सार हूं, मैं जल प्रवाह निहार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भी शून्य पर सवार हूं, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। क्योंकि लेबल्स में फंस गए तो फिर फंसते चले जाएंगे, किसी भी चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, आजादी रखना है, खुद को गुलामी की आदत नहीं है। बस इतना ही कहना था कि स्पिरिचुअलिटी भी एक टैग है, एक लेबल है, जो आपको फांस देती है, आपको बांध लेती है, आपको भी गुलाम बना देती है एक अलग प्रकार से। तो बस मैं अगर इस बात को कहूँ, अगर इस बात को 0.001% एक्सेप्ट करूँ, तो बस इतना ही होगा कि अगर जीवन को आसान बनाना स्पिरिचुअलिटी है, तो मैं स्वयं को 0.001% स्पिरिचुअल कह सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश मुझे लगता है अपने जीवन को आसान बनाने की और स्थिर करने की है। इस दिमाग को जो कहीं ना कहीं भटकता रहता है, इतने सालों ये भटका है, इसको स्थिर करके, सेंटर करके, बैलेंस करके इसको अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि अदरवाइज ये दुश्मनी मोल ले लेता है और आपको परेशान करता रहता है, फ्लक्चुएट करता है, भगाता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, और आप टिक नहीं पाते हो। तो मैं बस अपने जीवन में मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने जीवन को सिंप्लीफाई करता रहूं, हर समय हर लम्हा सीखता रहूं जीवन से, कि जीवन का हर वाक्य हर इंसिडेंट कुछ सिखा रहा है, और सीखना बड़ा जरूरी है, मुझे उस सीखने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक दैट जेस्ट फॉर लाइफ। सो नो टैक्स, नो लेबल्स, नो डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट लर्निंग लाइफ एंड लर्निंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लाइफ। एंड इफ 0.001% आई एम टू बी कॉल्ड स्पिरिचुअल, देन इट्स My only priority is to make my life simple. That's it. अगर जीवन को आसान बनाना स्पिरिचुअलिटी है, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, नहीं तो नहीं, सिंपल। I hope जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आप तक पहुंची हो और उसकी गहराई पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं फिर जीवन बेहतरीन और आसान हो जाएगा। Thank you so much. We share, we grow.